अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस देर रात बेपटरी होने से बच गई। अब कालिंदी एक्सप्रेस को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश के बाद सामने आ रही। दरअसल पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर भरा एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद बरामद किए, जिसके बाद हादसे को एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से भिवानी की तरफ जा रही थी, तभी शिवराजपुर के पास ट्रेन किसी लोहे की चीज से टकरा गई। ये लोहे की चीज एक भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर था। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते ट्रेन रुकने से पहले ही सिलेंडर से जा टकराई। लोको पायलट ने इंजन से किसी चीज के टकराने की तेज आवाज सुनी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। हालांकि उस समय मौके पर कुछ नहीं मिला। बाद में घटना की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ की टीम जांच के लिए पहुंची। आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीणा की टीम ने जांच के बाद करीब 200 मीटर दूर से सिलेंडर बरामद किया है। ये सिलेंडर भरा हुआ था। इसके साथ ही आरपीएफ को जांच में अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई। जांच में जिस जगह पर सिलेंडर मिला है वहां एक बोतल में पीले रंग का एक पदार्थ भी बरामद हुआ है। साथ ही एक सफेद पाउडर जैसी चीज भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। हादसे के बाद ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रोका गया और मौके पर जांच की गई। इसके बाद ट्रेन को आगे जाने की अनुमति मिल गई। हालांकि रेलवे सूत्रों ने इस मामले में साजिश की आशंका जताई है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर लोहे की किसी भारी चीज के रगड़ने के भी निशान देखे गए। मौके पर रेलवे के कई अधिकारी, आरपीएफ और पुलिस मौजूद है। ये रेलवे की अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश के हैं, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जाँच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी उसकी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं? सर ट्रेन चल रही है, ट्रैक कोई बाधा नहीं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब कानपुर में एक ट्रेन हादसा हो चुका है। बीते 16 अगस्त को कानपुर झांसी रूट पर रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई घायल हुआ था। इस मामले में रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी और मामले की जाँच चल ही रही। इसी बीच जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर बरामद हुआ है उस